महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज 11:30 बजे पीएम मोदी करेंगे मन की बात। पहली बार समय में हुआ बदलाव। यूपी चुनाव में फिर आया मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र, सीएम योगी ने सपा पर लगाया बड़ा आरोप। अखिलेश के गढ़ में बड़ी बगावत, पूर्व विधायक के समर्थन में 4,500 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। सपा से टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोने वाले मनीष रावत भाजपा में शामिल, रंगनाथ मिश्र भी साथ आए। आजमगढ़ में पूर्व मंत्री वसीम अहमद की पत्नी शमा वसीम ने सपा से की बगावत, खिलाफ उतरने का किया ऐलान। बरेली के विधानसभा क्षेत्रों में आज घर घर वोट मांगेंगे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, जनता से करेंगे सीधा संवाद। योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने तो कर लूंगा पलायन, शायर मुनव्वर राणा ने भाजपा सरकार पर परेशान और दुखी करने का आरोप लगाया। चौपाल में जाटों ने भाजपा प्रत्याशी को घेरा, बोले साबित करो हम गीदड़ हैं, किसान आंदोलन पर भी पूछ लिया सवाल। पश्चिमी यूपी में भाजपा प्रत्याशियों को काले झंडे, कीचड़ और पत्थरों का सामना करना पड़ रहा है, 85 लोगों के खिलाफ FIR। जाटलैंड पर कब्जे की जंग में हो रहे बार पलटवार, आज भी पश्चिमी यूपी की 136 सीटों पर दम दिखाने जुटेगी नेताओं की फौज। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।